वन्या तुम दोस्तों बाक्षी के सम्मिलित बात विजन के अंतर्गत मैं वरुण कुमार आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अभी हाल ही में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आपको बताया था कि आपके घर के अंदर जो ये एंटी मॉस्किटो मशीन्स हैं जिनके अंदर आप इस तरह के वेपराइजर्स लगाते हैं उससे कितना नुकसान आपके बच्चों को और आपको होता है, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर सभी प्रकार के केमिकल्स जा रहे हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि ऐसे इंसेक्टिसाइड जो कई देशों में बैन है वो आपके घर के अंदर वेपराइजर के माध्यम से लगाए जाते हैं जिनका वेपर्स हमारे बच्चों तक जाता है और भयंकर रूप से उनको नुकसान कर सकता है और कई तरह की रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स के लिए ये जिम्मेदार हो सकते हैं। आज हमारे साथ में है आयुष्मान कंपनी से ऑपरेशन मैनेजर जो ऑपरेशंस को पूरा सब संभालते हैं, मिस्टर संजीव। संजीव जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और संजीव जी थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि जो मशीन के अंदर लगने वाली वेपराइजर्स थे, क्योंकि हमने जब इसके ऊपर स्टडी करी तो इसमें काफ़ी तरह के इंसेक्टिसाइड्स, काफ़ी तरह की केमिकल्स, आप सबको जानकर ये हैरानी होगी, मिट्टी का तेल जो है वो प्रॉपर तरीके से इसमें डाला जाता है, आपको महसूस ना हो मिट्टी का तेल है इसीलिए उसमें डिओडोराइजर डाल दिया जाता है। तो ये सारे फ्यूम्स जो है ये कहीं ना कहीं हमारे शरीर के लिए खतरनाक है सर। तो आप सर जब ये वेपराइजर बनाते हैं और इसके ऊपर आप लिखते हैं 100% हर्बल है, किसी तरह का केमिकल कॉन्टेंट इसमें नहीं है, तो ये कैसे पॉसिबल है सर? सर ये है कि इसमें हम लोग जो मिक्स करते हैं इसमें तुलसी है, कपूर है जी, ये सारी चीज़ होते हैं, तो जो शरीर में कोई भी हानिकारक इससे नहीं होते हैं। और इसे हम देखते हैं कि ओल्ड एज के भी लोग और जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम इनके शरीर में किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं होता, केमिकल नहीं होता। और अगर हम बंद कमरे में रहते हैं कोई भी सफोकेशन वगैरह इससे महसूस नहीं होता, बल्कि हमें फायदा भी होता है। फायदा इसलिए होगा क्योंकि इसमें एसेंशियल ऑयल्स डाले गए हैं, आपको यूकेलिप्टस ऑयल जो है वो डल गया, आपका लेवेंडर ऑयल डल गया, आपका लेमन ग्रास ऑयल जो है वो डल गया, और ये सारे एसेंशियल ऑयल्स कहीं ना कहीं हमारे लिए फायदेमंद है। बाजार में हम पैसे खर्च करके ये एसेंशियल ऑयल्स खरीद के लेकर आते हैं, वेपराइजर में डालते हैं, लेकिन हमारे घर की मशीन के अंदर जो केमिकल यूज हो रहा है उसको हम इससे रिप्लेस करने की कोशिश नहीं करते, जो साथ साथ एंटी मॉस्किटो इफेक्ट भी देगी। तो ये एक मेजर चीज है जो इसमें पता चली। अब अच्छी बात यह है कि जो ये वीडियो हम बना रहे हैं इसके अंदर हम एक मेजर खुलासा करना चाहेंगे। हमारे एक बहुत अच्छे बेनिफिशियरी हैं लखनऊ से, उन्होंने जब संजीव जी ने ये बनाया, ये देखिए आप इसका लिक्विड का कलर देख सकते हैं, ऑर्गेनिक चीजों के अंदर हमने बहुत बार बताया कि ऑर्गेनिक एटीट्यूड बहुत जरूरी है जब आप ऑर्गेनिक चीजों को लें। जो संजीव जी ने लास्ट बैच जो इनकी कंपनी ने बनाया था उसके अंदर कलर का थोड़ा डिफरेंस था, और कहीं ना कहीं हमारे जो बेनिफिशियरी थे उन्होंने ये कहा कि वरुण जी इसमें कलर का डिफरेंस है, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ फॉर्मुलेशन में चेंजेस किए गए हैं। हमने संजीव जी से कंफर्म करा था, तो संजीव जी क्या मेजर रीजन रहा था कि जो ये कलर का डिफरेंस आता है, क्या मेजर रोल आपको लगता है कि वो कलर डिफरेंस क्यों आया? इसको एक्चुअली हम लोग दो तरह से बनाते हैं, एक डार्क में बनाते हैं, एक लाइट में बनाते हैं। कुछ लोग है डार्क में कुछ इसमें पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं, राइट सर, तो थोड़ा डाइल्यूट कर देते हैं। तो जब हमारे बेनिफिशियरी ने इस बात की शंका जाहिर की कि वरुण जी इसकी जो है एक इंडिपेंडेंट जांच होनी चाहिए, एक बार चेकिंग होनी चाहिए कि क्या ये सच में जो है फ्यूम्स नहीं देता, हमने संजीव जी से पूछा। संजीव जी ने अपनी कंपनी के बैचेस वाइज हमें रिपोर्ट्स भी हमें जो थी उन्होंने दिखाई, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि इसके अंदर सर किसी भी तरह से किसी भी इंडिपेंडेंट लैब से आप इसकी जांच कर लीजिए, इसमें किसी भी तरह का जो है वो हार्मफुल फ्यूम नहीं है। हालांकि क्योंकि मुद्दा एक बेनिफिशियरी की तरफ से आया था और हम नहीं चाहते थे कि दिमाग में शंका रहे, और भले ही हम उसकी एक इंडिपेंडेंट जांच कर लें, तो हमने जहां पर हमने बाकी प्रोडक्ट्स की टेस्टिंग इतनी कराई हुई है, मैं आपको अभी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा, ये मेरे पास में फाइल के अंदर है जो हर्बल मॉस्किटो ऑयल की हमने जाँच जो है करवाई। हमने कंपनी से कहा कि पहले आप अपनी रिपोर्ट्स दिखाएं, और आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी इसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की टेस्टिंग हुई। हम केमिकल इंसेक्टिसाइड्स की बात नहीं कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड्स एक अलग मामला आ जाता है, हम मेजर केवल उन गैसेस की बात कर रहे हैं जो आपके नॉर्मल बाहर भी आपको एटमॉस्फेयर के अंदर नॉर्मल मिलती हैं। तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, लेड, कैडमियम, मर्करी, आर्सेनिक और स्किन इरिटेशन तक का टेस्ट जो था इसके ऊपर किया गया, जिसके अंदर ये बिल्कुल आराम से पास होकर निकला है, वो टेस्ट रिपोर्ट आप देखिए। हमारा कहने का मकसद इसके माध्यम से केवल ये नहीं है कि इस तरह के उत्पादों को आपको अपने घर में इस्तेमाल करना चाहिए, बल्कि ये भी है कि कहीं पर भी अगर हम आप और संजीव जी जैसे जो प्रोड्यूसर्स हैं, अगर हम आपस में विश्वास बनाकर इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करते हैं, अच्छी चीज़ों को अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं, तभी हम उनकी सेहत के अंदर होने वाले नुकसान को कहीं ना कहीं बचा पाएंगे। इसमें विश्वास भी बहुत मैटर करता है, इसमें कर्म का सिद्धांत बहुत मैटर करता है। आप सभी से निवेदन है, अगर इंडिपेंडेंट आप चीज़ों की जांच कर सकते हैं, तो अब तो वाक्षी ने इंडिपेंडेंट टेस्टिंग किट तक लॉन्च करी है। हम ऐसी ऐसी लैब्स से बात कर रहे हैं जो कम पैसे लेकर हमें एक अच्छी टेस्टिंग दिमाग लगाकर बौद्धिक बल से हमें अच्छी चीज़ें बता सके कि कैसे इसकी टेस्टिंग करके जो है चीज़ों को सुनिश्चित किया जा सकता है।
और हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि संजीव जी जैसे प्रोड्यूसर्स जो हैं, जो इस तरह के अच्छे उत्पाद बना रहे हैं, उन पर भरोसा भी करें, उनकी चीज़ों की इंडिपेंडेंट जांच करें, लेकिन अगर फिर उसके बाद में विश्वसनीयता बनती है तो ऐसे उत्पादों को अपने घर में लेकर आए ताकि इस तरह के प्रोड्यूसर्स को बढ़ावा मिले और देश को हम एक अच्छी राह की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश कर सके। संजीव जी कुछ आप कहना चाहेंगे दर्शकों को? नहीं सर, इसमें और भी है कि हमने जो इसको किया था, इसको ऑलरेडी ये CSIR और CSIR से भी और ये दो लैब है MIGR, ये जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होती है, ये दोनों से हमारा टेस्टेड है और सर्टिफाइड है वहाँ से। तो ऑलरेडी इन्होंने अपना बैच जो है वो गवर्नमेंट की दो मेजर अथॉरिटीज के पास में चेकिंग टेस्टिंग करवा कर, फॉर्मुलेशंस को टेस्ट करवा कर मार्केट में उतारा हुआ है। ये हम सब लोगों के लिए गर्व की बात है। देखिए गिने चुने ऐसे प्रोड्यूसर्स हैं इस वक्त देश में जो कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी सबका फ़र्ज़, हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम इनको प्रोत्साहन दें और इनके बनाए हुए उत्पादों को घर में मैक्सिमम यूज़ करें ताकि इस प्रणाली को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके और वो जो गिने चुने प्रोड्यूसर्स हैं उनके द्वारा जो उत्पाद बन रहे हैं उनको और चीज़ों को आगे बढ़ा सके। मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूँगा, जैसे आप ये वेपराइजर देख रहे हैं तो हमारी तो क्या है कि ऑर्गेनिक स्टोर है, ऑर्गेनिक स्टोर के अंदर हम अभी वेपराइजर सारा दिन नहीं जलाते, ज़रूरत नहीं पड़ती। ये देखिए ये एंटी मॉस्किटो स्प्रे है जो हम अपने आसपास कर रहे हैं, अपने घर के अंदर देखिए कभी केमिकल स्प्रे हो सकता है इस तरह का जिसको इतनी आसानी से आप स्प्रे कर सकें अपने आसपास? ये होता है इन सारी चीज़ों का फ़ायदा जब हम अपने घर के अंदर केमिकल फ्री वातावरण बनाते हैं। समझदारी अपनाएं, जैविक पद्धति अपनाएं, भारत वंदे मातरम।